अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो लेक्चर नंबर टू है ये, लेक्चर नंबर टू का पार्ट टू है ये। इससे पहले मैंने पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और क्यों डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं हम। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेनिंग द नेम ऑफ योर फेवरेट कलर। सो यहाँ पर आप कोई सा भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर क्या स्ट्रिंग का नाम क्या होना चाहिए, आपका जो फेवरेट कलर है बेसिकली वो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ब्लू ले लिया है और इसके बाद इसको ये जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो किस टाइप की स्ट्रिंग होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है हमारे पास नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, सही है। और इसके बाद हमें क्या क्या इनिशियलाइज करना है, इसके इनिशियलाइज करने में फाइव वेरिएबल्स जो 16 बिट के हो, अनअसाइंड हो। तो 16 बिट का अनअसाइंड क्या होता है, हमारे डेटा टाइप वर्ड, और वेरिएबल्स के नाम हमें दी हुई है और यहाँ पर इसके हमें वैल्यूज दी हुई है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब चेक करते हैं कि कोड किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक बाइट डेटा टाइप का एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, जिसका मैंने नाम रखा है कलर, सही है। अब कलर की मैंने वैल्यू क्या रखी, स्ट्रिंग क्या मैंने लिखी, ब्लू, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैंने लिख दिया। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है इसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ यूज़ किया कॉमा जीरो। जैसे मैं स्ट्रिंग खत्म, ये स्ट्रिंग का जैसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया मैंने, इसके बाद ही मैंने लिख दिया कॉमा जीरो। सो ये हमारी हो गई नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। इसके बाद हमें क्या करना था, फाइव वेरिएबल्स को है ना डिक्लेयर करना था 16 बाइट के, सही है। सो मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये फाइव वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, जिसकी डेटा टाइप क्या लिए मैंने वर्ड, और जो वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई थी क्वेश्चन में मैंने उस हिसाब से ही लिख दिया यहाँ पर। सो क्वेश्चन बड़ा ईजी था ये, और बस ये इसका आंसर है। तो चलिए अब आगे चेक करते हैं हमारे पास क्या सवाल है। सो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू असेंबली लैंग्वेज। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है और कहा गया, और हमारे पास ए बी सी डी वेरिएबल्स है, उनकी कुछ वैल्यूज भी दी हुई है। तो हमें एक रजिस्टर के अंदर, ई बी एक्स रजिस्टर के अंदर ये इक्वेशन को सॉल्व करके स्टोर करनी है, वैल्यू क्या है जो आंसर आएगा इन सब का। तो चलिए अब कोड देखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी डी वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर दिया है, यहाँ पर जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उस हिसाब से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब सबसे पहले जो स्टेप किया मैंने यहाँ पर दो रजिस्टर की मदद से यहाँ पर ये पूरी क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने ई बी एक्स रजिस्टर लिया है, जिसके अंदर मैंने जीरो वैल्यू को यहाँ पर मूव करवा दिया है, सही है, और एक ई ए एक्स रजिस्टर लिया है। अब मैंने जो थर्ड जो लाइन है, लाइन नंबर 12 है, उसमें मैंने ये किया कि ऐड कर दिया ई ए एक्स को कॉम ए। सो बेसिकली इस लाइन का मकसद बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मूव करूँ मैं ई एक्स के अंदर ए की वैल्यू, क्योंकि जब ई एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है जीरो ही है, हमें पता है जब जीरो के तो ऐड होगा ए। सो आंसर हमें मालूम है कि ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास ई एक्स में ए ऐड हो गया, तो अब ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई एक्स, सही है। अब हमने क्या किया लाइन नंबर 13 में कि ऐड कर दिया ई एक्स के अंदर बी की वैल्यू, सही है। तो ये पूरी क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गई, ई एक्स। सो अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर वापस से ई एक्स को है ना मैंने मूव कर दिया ई बी एक्स के अंदर ई एक्स की वैल्यू, जो अब जो क्या हो गई, अब ई एक्स में जो वैल्यू थी वो अब ई बी एक्स में चली गई, सही है। अब लाइन नंबर 15 में वापस से मैंने है ना ई एक्स को है ना पूरा एम्प्टी कर दिया, जीरो कर दिया, और फिर इसके बाद मैंने ऐड किया ई एक्स के अंदर कॉमा ए। सो ये हमारे पास पूरा हो गया ई बी एक्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। सो ये हो गया ई बी एक्स, और फिर इसके बाद मैंने वापस से ऐड किया ई एक्स के अंदर ए की वैल्यू को। सो ये इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस लाइक से हमने ऊपर बताया था कि मूव ई एक्स कॉमा ए, और यहाँ पर मैंने ए की जो वैल्यू है उसको मूव कर दिया ई एक्स के अंदर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ई एक्स के अंदर से बी की वैल्यू। सो ये पूरी इक्वेशन वैसे ही बन गई जैसे ई एक्स की इक्वेशन बनती है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ई बी एक्स के अंदर से ई एक्स की वैल्यू को। सो ई बी एक्स में से ई एक्स की वैल्यू जाएगी, सो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरी होल ई बी एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मूव किया ई एक्स के अंदर कॉमा जीरो, वापस से ई एक्स को मैंने जीरो कर दिया और ऐड कर दिया ई एक्स के अंदर कॉमा सी। सो ये इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जस्ट लाइक के मूव ई एक्स कॉमा सी कर दूँ मैं। और तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये ई एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या बराबर हो गई ई एक्स के, और लास्ट मैंने क्या कर दिया ई एक्स के अंदर ऐड कर दिया डी। सो ये डी है वो ऐड हो गया ई एक्स के अंदर, और ई एक्स के अंदर स्टोर हो गया हमारे पास जो होल जो हमारे इक्वेशन बची हुई थी वो। और एट द एंड मैंने क्या किया,
ऐड कर दिया ई बी एक्स के अंदर ई ए एक्स की वैल्यू। सो ये पूरी ओल्ड इक्वेशन बराबर हो गई हमारे पास ई बी एक्स के, और इस तरीके से ई बी एक्स पर पूरी वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की। और मैंने एंड में क्या कर दिया, कॉल डबल एक्स। सो यहाँ से हमारे पास सारी एडजस्टमेंट की वैल्यू आ जाती है। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ई बी एक्स के अंदर पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया होगा। सिंटेक्स एरर एच सी, ओके क्या एरर है, सी। सो बेसिकली सी हमारे पास कोई बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसलिए हम सी यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर सी टू लिख दूंगा ताकि कोई मसला ना हो हमारे पास। सो चलिए हम चेक करते हैं कोड करके। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये चल गया कोड, और हमारे पास ई बी एक्स के अंदर ये जो ई बी एक्स रजिस्टर के अंदर पूरी इक्वेशन की एक वैल्यू आ गई है जो कि 7a है, सही है। बाकी रजिस्टर्स का जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली गार्बेज वैल्यू है, सही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही है, जस्ट लाइक कि हमने जो सेकंड सवाल किया है, इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है, और जस्ट हमें जो चेंज है वो यहाँ पर ये है कि वेरिएबल्स चेंज है, तो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर देंगे और बाकी काम बिल्कुल सेम ही करना है। सो यहाँ पर जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा वेरिएबल्स को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी टू और डी की मैंने वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी है, और बाकी काम बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें इक्वेशन वही सॉल्व करे थे जो हमने प्रीवियस सवाल में कॉस्ट सॉल्व की थी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड हमारे पास चला के कि ई बी एक्स अंदर जो पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ गया हुआ हमारे पास हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में, जो कि है 07a। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैट इंप्लीमेंट्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर भी हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसका और कुछ डेटा टाइप्स दी हुई है, डेटा वेरिएबल्स दी हुए जो है हमारे पास IMM8 जिसकी वैल्यू 20, और इसके अलावा डेटा 1 है जिसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, डेटा 2 है जिसकी वैल्यू हमारे पास 15, और डेटा सी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 20 है। सो जस्ट हमें पुट करके सारी वैल्यूज को AX के अंदर स्टोर करवाना है। तो चलिए अब चेक करते हैं कोड किस तरीके से होगा। सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को कमेंट कर दिया है जो हमें सॉल्व करनी है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे जो डेटा है हमारा वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर मैंने, सही है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, मूव ए एक्स कॉमा जीरो किया है और ऐड कर दिया ए एक्स अंदर IMM8 की वैल्यू, सही है। सो ये हमारे पास हो गया। अब जो IMM8 की वैल्यू वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई, सो यहाँ पर हम ए एक्स भी लिख सकते हैं IMM8 की जगह। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया ए एक्स के अंदर डेटा 1 की वैल्यू, सो ये वैल्यू दोनों सेम हो गई। अब यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, और फिर इसका मैं सब्ट्रैक्ट किया ए एक्स को डेटा सी से, सो जो भी इसका आंसर होगा वो ए एक्स रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ऐड किया ए एक्स को IMM8 के साथ, सो IMM8 और ए एक्स जब ऐड हो जाएगी तो वेरिएबल किस में स्टोर होगी वैल्यू सारी, ए एक्स रजिस्टर के अंदर, क्योंकि ए एक्स रजिस्टर यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, सही है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया ए एक्स के अंदर डेटा 2 की वैल्यू, सो अब ये पूरी क्वेश्चन हमारे पास ए एक्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। सो आप यहाँ पर इसको चला के देख भी सकते हो कि अब जो रजिस्टर ई ए एक्स है उसके अंदर हमारे पास आंसर आ चुका होगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट के जो चार वेरिएबल्स है वो हमारे पास बेसिकली ई एक्स को शो करते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 002B हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, सॉरी बल्कि शुरू के जो चार वेरिएबल्स है वो हमारे पास ई एक्स को शो करते हैं, 002DEA वो बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ई एक्स की। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।